नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड आईक्यू पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू बाई गोल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि क्या सच में अब भी गोल्ड बाई करना फायदे का सौदा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले गोल्ड के प्राइजेस बहुत कम थे, अभी गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं या बढ़ गए हैं, तो क्या आपको आज भी गोल्ड बाई करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक 30 साल के जो है गोल्ड प्राइजेस रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं तो 1991 में यानी आज से 30 साल पहले गोल्ड के जो प्राइजेस थे पर 10 ग्राम 3466 रुपीज थे। 3466 रुपीज पर 10 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और आज के गोल्ड के प्राइजेस क्या है, आज का मैं अगर गोल्ड का प्राइस मान के चलू तो 48,500 रुपए आज का गोल्ड का प्राइस है पर 10 ग्राम। मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें तो मतलब 1991 के और आज के गोल्ड के प्राइजेस को तो 13 से 14 गुना गोल्ड के प्राइजेस बढ़े हैं दोस्तों। कितना? 13 से 14 गुना। अब ये 13 से 14 गुना गोल्ड के प्राइजेस बढ़े हैं तो आप लोग ये भी कह सकते हैं, तो ऐसा तो शेयर मार्केट वाले भी बोलते हैं कि अगर 30 साल पहले आपने ये शेयर खरीदा होता तो इसकी वैल्यू ये होती, 20 साल पहले अगर आपने ये शेयर खरीदा होता तो इसकी वैल्यू ये होती। लेकिन दोस्तों देखिए, जिस टाइम के हिसाब से अभी मान के चलिए 48,000 रुपए पर 10 ग्राम का भाव है, तो हम आज के आज पूरा 48,000 रुपए 10 ग्राम गोल्ड खरीद के 30 साल तक वेट नहीं कर सकते। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मूला निकाला है। देखिए, आप हर महीने 250 मिलीग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। 250 मिलीग्राम मतलब कितना होता है? 48,000 रुपए पर 10 ग्राम का आज का गोल्ड का प्राइस है। मतलब 1 ग्राम का गोल्ड का प्राइस कितना हुआ? 4800 रुपए। और 250 मिलीग्राम मतलब कितना होता है? 1000 मिलीग्राम मतलब होता है 1 ग्राम। अब 250 मिलीग्राम अगर हम लोग गोल्ड बाई करते हैं तो वो कितने का होगा? वो गोल्ड होगा 1200 रुपए का। तो आप अगर हर महीने 1000-1200 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो आप साल भर में 3 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं। आपको लगेगा सिर्फ 3 ग्राम गोल्ड, उसमें क्या होगा? लेकिन मैं आपको सामने कैलकुलेशन बताता हूँ। तो 3 ग्राम गोल्ड आप साल का बचा सकते हैं, और ऐसा करके अगर आपने 30 ईयर तक गोल्ड बचा लिया तो मान के चलिए आपके पास 90 ग्राम गोल्ड हो जाएगा। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, मैं बेनिफिट आपको पिछले कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 1991 में गोल्ड का प्राइस था 3466 पर 10 ग्राम, 1995 में 4680 पर 10 ग्राम, ऐसे प्राइजेस बढ़ते गए। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2005 में गोल्ड का प्राइस था 7000 रुपए पर 10 ग्राम, वैसे ही 2010 में गोल्ड का प्राइस था 10500 रुपए पर 10 ग्राम, 2018 में गोल्ड का प्राइस हो गया था 31438 रुपए पर 10 ग्राम। तो ऐसे करके आप जो है 250-250 मिलीग्राम गोल्ड के प्राइजेस पकड़ के चलिए। जैसे मान के चलिए 1991 में अगर आप 250 मिलीग्राम गोल्ड खरीदते तो लगभग 103 रुपए का होता। अगर आप 1992 में गोल्ड का 250 मिलीग्राम गोल्ड खरीदते तो 129 रुपीज होता। अगर आप 2018 में 250 मिलीग्राम गोल्ड खरीदते तो 942 रुपए का होता। अगर आप 2021 में गोल्ड का 250 मिलीग्राम गोल्ड खरीद रहे हैं तो वो होगा लगभग 1200 रुपए का। तो इतनी तो सेविंग हम लोग कर ही सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 90 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए जो है हमें 1,49,718 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता है पूरे 30 सालों में। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मान के कि आज अगर 90 ग्राम गोल्ड हम लोग बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी प्राइस होती है 4,20,000। इस हिसाब से देखा जाए तो जो हम लोगों को रिटर्न मिलता है वो 3 गुना मिलता है, और वो भी हम लोग एक साथ गोल्ड बाई करके ना रखे तो की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे 250 मिलीग्राम, आधा ग्राम, एक ग्राम, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मान के चले 10,000 तो आपकी सैलरी होगी, 10,000 रुपए में से हम लोग 1200 रुपए तो बचा ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे अमाउंट में बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये 250 मिलीग्राम गोल्ड खरीदे कहाँ से। तो देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, छोटे छोटे ज्वेलर्स जो होते हैं, जो मार्केट में छोटे ज्वेलर्स होते हैं, बड़े ब्रांड तो आपको 250 मिलीग्राम गोल्ड काट के देने वाले नहीं है। तो छोटे ज्वेलर्स के पास आप जाइए, आज का गोल्ड का प्राइस पूछ लीजिए और उनको बोलिए मुझे 250 मिलीग्राम गोल्ड चाहिए। अब वो 250 मिलीग्राम गोल्ड जो है, एक उनके पास में छोटे छोटे बार्स होते हैं, वो कटिंग करके भी देते हैं, तो आप 250 मिलीग्राम गोल्ड खरीद के अपने पास रख लीजिए।
तो ऐसा करके आप साल का 3 ग्राम गोल्ड बचा सकते हैं। कुछ ना खरीदने से कुछ खरीदना तो अच्छा ही है। और फ्यूचर में भी गोल्ड के प्राइसेस दोस्तों ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, लेकिन क्योंकि करेंसीज जो है कभी भी मतलब एक जगह पे स्टेबल नहीं रही है, जैसे जैसे मतलब टाइम वक्त आगे बढ़ा है तो गोल्ड और प्रेशियस होते गया है, क्योंकि गोल्ड जो है लिमिटेड अमाउंट में है और जितना है उतने में ही हम लोगों को मतलब सेटिस्फाइड रहना है, और उसके प्राइसेस जो है बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल मनी जो है गोल्ड ही है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हाउ टू बाय गोल्ड का अगला पार्ट जो आएगा वो गोल्ड के ऊपर ही डिपेंड होगा, और बहुत सी गोल्ड की जानकारी मैं इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।